आज की ये वीडियो इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल की एक बेहतरीन वीडियो बनने वाली है वर्मी कंपोस्ट की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी है मेरे चैनल के ऊपर भी और भी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं पहुंचा हूं एक 45 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्मर के पास जो पाँच एकड़ में वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं और वर्मी कंपोस्ट के इतने सारे उत्पाद प्रोडक्ट तैयार करते हैं आप देख के जान के हैरान रह जाएंगे कोई भी युवा जब कोई काम शुरू करता है तो उसमें फेलियर कैसे होता है सक्सेसफुल कैसे हो सकता है इनका सत्ताईस साल पुराना ये काम है ये कैसे कितने अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं कैसे तरीका है आप प्रॉफिट कमा सकते हैं कहाँ पे आपको लॉस होता है वो सारी जानकारियां इस वीडियो में दी जाएंगी वर्मी कंपोस्ट का क्या फ्यूचर है बिल्कुल डिटेल से आपको बताया जाएगा मैं इस वीडियो में यहाँ पे सर से पूरी जानकारी डिटेल से पूछूंगा कि कैसे आप भी एक सक्सेसफुल वर्मी कंपोस्ट फार्मर एक वर्मी कंपोस्ट सेल कर सकते हैं एक अच्छा अपना यूनिट एस्टेब्लिश कर सकते हैं और 100 परसेंट अश्योरेंस के साथ आप उसमें प्रॉफिट कमा पाएंगे उसको एज ए बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं तो सारी जानकारी यहाँ के ओनर से लेंगे और उससे पहले मैं थोड़ा सा फार्म का दिखाऊँगा लोकेशन इतना बेहतरीन तरीके से फार्म सेट कर रखा है सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आप सबके सामने प्रस्तुत की जाए तो चले इस तो वीडियो शुरू करें तो मेरे साथ मौजूद हैं सजग ऑर्गेनिक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के ओनर अमित त्यागी जी तो, तो त्यागी सर स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं एक वो मंत्र जानना चाहता हूं जिसकी वजह से आप अपने काम को इतना बड़ा कर चुके हैं मतलब आपका काम इतना बड़ा हो चुका है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपका वो जो फॉर्मूला चुराऊँ मतलब मेरे व्यूवर्स मैं बताऊँ जी कि जिस जिससे आप सक्सेसफुल हो चुके हैं तो एक आम युवा अगर अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना वर्मिंग कम्पोस्ट का यूनिट शुरू करना चाहे तो वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपना प्रोफाइल देना चाहता हूँ मेरा नाम अमित त्यागी सजग ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल ग्राम किन्नार नगर गढ़ रोड मेरठ पिछले दो दशकों से हम वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य कर रहे हैं आज दो दशकों बाद हमारा जो वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य है ये लगभग सोलह राज्यों में फैला हुआ है अच्छा जी बाहर कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं और हजारों की तादाद में लोगों को ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं जी। और बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं सोलह राज्यों में हमारी लगभग लगभग साढ़े पाँच एकड़ में पूरी वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य कर रहे हैं और 40 एकड़ में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं जी जिसमें से 50 से ऊपर प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं अगर सिर्फ वर्मी कॉम्पोस्टिंग की हम बात करें जी। तो वर्मी कॉम्पोस्टिंग में हम लगभग लगभग 500 सौ साढ़े पाँच टन पर मंथ खाद तैयार करते हैं जी जो एक से डेढ़ महीने की एडवांस बुकिंग पे बिकता है एडवांस बुकिंग रहता है पहले से पहले से ही पहले रहता है अच्छा एक्सपोर्ट इसी में इंक्लूड है सर इसी में इंक्लूड है, अच्छा है। कितने वर्कर काम करते हैं आपके पास हमारे पास टोटल सैंतीस लोग हैं इस समय जो काम कर रहे हैं थर्टी अच्छा, सेवन अच्छा अच्छा और प्रोडक्शन मैंने आपको बताई दिया जी, कितनी जी, है जी। और मेरठ में हमारी अस्सी से ऊपर यूनिट है एंटरप्रेन्योर्स जिनको हमने चालू कराया चालू कर किसी को दो साल हो गए किसी को चार साल हो गए किसी को छह साल हो गए और सब अपना अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं वर्मी रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्या क्या है अपने? क्या, क्या क्या बनाते हैं हम दोनों के लिए काम करते हैं किसान के लिए वर्मी कम्पोज साथ में जैविक कीटनाशक अच्छा। किसान के लिए बड़ी पैकिंग है शहर के लिए छोटी पैकिंग है हमारी एक दो पांच दस बीस चालीस ये सारी पैकिंग है और शहर के लिए हम वर्मी वॉश तैयार करते हैं कावियर पेस्टिसाइड तैयार करते हैं छोटी पैकिंग वर्मी कंपोस्ट के तैयार करते हैं कोकोपीट तैयार करते हैं अच्छा। इसके अलावा बोन मिल उसकी पैकेजिंग करते हैं फिर परलाइट की भी पैकिंग करते हैं, ये सारी हमारी शहर में जो गमले वगैरह के लिए इंडोर प्लांट हो गया आउटडोर प्लांट हो गया इनके लिए ये किसान के लिए वर्मी कॉम्पोस्ट क्या की सर आप इतने सारे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जी मैं अगर सेम प्रोडक्ट्स तैयार करना चाहूँ आपको कॉपी करना चाहूँ जी तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए मेरे को बहुत सिंपल है अच्छा जी कॉपी तो आप बिल्कुल कर लो अच्छा अच्छा लेकिन कॉपी करने के साथ प्रोडक्ट नॉलेज भी कॉपी करो बिल्कुल हमारी सारी पैकिंग सारा मटेरियल सब बाजार में आ रहा है जी जी आप उसे लेके कॉपी कर सकते हैं पर दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वर्मी कंपोस्टिंग में प्रोडक्ट नॉलेज जी उसका यूजेज अगर हमारे पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है नहीं। हमें मार्केट नहीं पता हमें यूजेज नहीं पता तो नहीं। आप कॉपी भी कर लेंगे तो भी बेकार हो जाएगा अच्छा आपकी सॉयल और आपके प्रोडक्ट तो नंबर वन प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा सबसे बड़ा एम्फेस होता है प्रोडक्ट क्वालिटी पे जी जी पैकेजिंग एक बार को आप मेरी पैकेजिंग सस्ती होगी सिंपल होगी मेरे पास नहीं है पैसे महंगी वाली बनवाने के लिए मैं सस्ती बनवा लूँ वो चलेगा चलेगा सही लेकिन मैंने जो क्वालिटी तैयार करी वो और आपने कैसे इस्तेमाल करी वो इन दो चीजों के ऊपर मेन एम्फेसाइज होता है अच्छा वही मेन पॉइंट होते हैं एक यूनिट को सक्सेसफुल होने में और फेलियर होने में बिल्कुल सर प्रोडक्ट नॉलेज परत नॉलेज बहुत सारे लोग दो चार 5 लाख रुपए लगाते हैं जी सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि गोबर डाला केचुआ डाला केचुए ने खाया और खा के निकाला कंपोस्ट बन गया और वो कंपोस्ट तैयार हो गया जी जी। और बस मुझे मार्केट में जाके बेचना है अच्छा अच्छा उन्हें ये नहीं पता कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर क्या तत्व हैं अब डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट नॉलेज है जी जी हमें वर्मी कंपोस्ट के बारे में कितना ज्ञान है जी जी उन तत्वों का कितना ज्ञान है जो उसमें है उसके अलावा हम किस मार्केट को कैटर कर रहे हैं अर्बन को कर रहे हैं कि रूरल को कर रहे हैं अच्छा अच्छा पैसे आदमी आपकी मर्जी के देता है अच्छा उसको क्या चाहिए रिजल्ट्स रिजल्ट चाहिए रिजल्ट चाहिए रिजल्ट कैसे आएगा आपने कैसे उसको लगवाया आप भी वही वर्मी कॉम्पोस्ट लगवा रहे हो जी जी मैं भी चलो हम माने माना आप और हम सेम क्वालिटी तैयार कर रहे हैं जी जी पर मेरे लगवाने में अलग रिजल्ट आएगा और आपके लगवाने में अलग रिजल्ट आएगा अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो अच्छा अच्छा दोनों में डिफरेंस है ये आ जाती है प्रोडक्ट नॉलेज वाला पार्ट अच्छा फिर हम जो बेच रहे हैं सेकेंड पार्ट आ गया क्वालिटी हम जो बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी क्योंकि वही आपके रिजल्ट लेकर आएगी ठीक है थर्ड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी इकोनॉमिक्स आपने गोबर डाला केचुआ डाला जी. और आपने उसने खाद तैयार कर दी हुँ. आपने उतारा छनाई करी पैकेजिंग करके और बेच दिया हुँ. पर आपको पड़ा तैयार कितने में है फॉर एग्जाम्पल आपने एक बेड बनवाया सबसे पहले इसके बारह सेक्शन है सबसे पहला सेक्शन बेड मेकिंग अच्छा नंबर दो वॉटरिंग नंबर तीन इसके खाद का उतारना सेग्रीगेशन नंबर चार छनाई अच्छा छनाई के बाद में आपकी फिर पैकेजिंग कट्टे की बात नहीं कर रहा अभी जी मैं जी सिर्फ जी। कट्टे भराई की बात कर रहा हूँ फिर उसकी तुलाई फिर उसकी सिलाई फिर उसकी लदाई बिल्कुल इन सब चीज के एक फिक्स रेशो आता है गाड़ी लद गई जी जी जी। अब उसके बाद में आपकी कितने की इलेक्ट्रिसिटी लग रही है कितने का डीजल लग रहा है आपके जो मशीनरी उसका टूट फूट जो कंटेजेंसी है वो कितना है जी जी अगर आपकी जमीन किराए की है तो उसका किराया कितना जा रहा है अगर आपकी अपनी पर्सनल भी है तो भी उसका किराया लगाइए बिल्कुल लगेगा सही है ये सारी चीजें जब कैलकुलेट करती है तो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट आती है अब हम बात करें बेड मेकिंग की फॉर एग्जाम्पल आपने एक तीस फुट का बेड बनाया 30 फुट का बेड बनाने में हम जो देते हैं वो ठेका देते हैं डेढ़ सौ रुपए पर बेड ठीक है हमने डेढ़ सौ में बेड बनवाया पंद्रह सौ किलो गोबर डालेगा उसमें से चालीस परसेंट खाद तैयार होगी जी जी 600 सौ किलो खाद तैयार होगी जी जी अब सिर्फ अगर बेड मेकिंग कॉस्ट हम निकाल रहे हैं डेढ़ सौ में छह किलो अगर खाद तैयार हुई तो लगभग 25-30 पैसे के आसपास आपकी पर के जी बेडमेकिंग कॉस्ट आएगी बेडमेकिंग ठीक है ऐसे ही सब चीज का जुड़ेगा अब अच्छा। मान के चलिए हम छनाई की बात करें जी जी। हमारी छनाई मशीन पे जब बंदे काम करते हैं चार बंदे एक दिन के अंदर कम से कम दस टन माल छानते हैं अच्छा चार सौ की दिहाड़ी हुई बंदे की सोलह सौ रुपए हो गई दस टन माल छाना तो हमारी छनाई की कॉस्टिंग कितनी आई सोलह पैसे पर के जी बिल्कुल वही अगर आप मैनुअली छनाई करा रहे हो जी। या हाथ के छलने से करवा रहे हो और आपके दो बंदे लगे आठ सौ जो, और दो टन खाद तैयार हुई हुँ, हुँ, तो आपकी खाद कितने की पड़ी लगभग लगभग अगर हम मोटा मोटा हिसाब बनाए आठ सौ रुपए में दो हजार किलो अगर खाद तैयार हो रही है तो आपकी और हमारी कॉस्टिंग में बहुत डिफरेंस आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वहीं पे मेरा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ गया आपका घट गया बिल्कुल मैं आपके बराबर रेट पे भी अगर बेचता हूँ तो भी मेरा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है बिल्कुल, बिल्कुल तो इस पूरी इकोनॉमिक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी एक एक लेवल पर कितनी कितनी चीज़ों की कॉस्टिंग पड़ रही है जी जी वही चीज़ हम सिखाते हैं सारी बिल्कुल ये चीज़ देखिए दोस्तों काफ़ी मायने रखती है कि आप कितना इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट क्या निकल रहा है हमने एक एक अमाउंट लगा लगाया निश्चित अमाउंट लो किसी ने दो लाख तीन लाख रुपए लगाया और लास्ट में कैलकुलेट किया दो साल के बाद देखा कि माइनस में जा रहे हैं मतलब हमारे पास असेट ही एक लाख का बचा है तो ये प्रॉफिट लॉस की बात होती है नॉर्मली हमने ये देखा है वर्मी कॉम्पोस्टिंग में पैसा बहुत धीरे कटता है अच्छा जी मतलब दे दे मतलब होता है आपको पता भी नहीं चलेगा अच्छा जी आपकी आपने सोचा कि भाई ठीक है मैं छह रुपए पड़ रही है कोई साढ़े तीन पड़ रही है कोई चार पड़ रही है, रही है। तो इतना पैसा मुझे बच रहा है उतने वो निकालते चला जाता है अच्छा अच्छा अब पता चला आप पांच रूपए बेच रहे हो और आपकी पड़ ही चार नब्बे पैसे रही है घर पे तैयार क्या बचा तो दस पैसे बचे और आपने पैसे निकाल लिए ज्यादा बिल्कुल तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप ये देखोगे कि मेरा माल भी बिक रहा है और यूनिट भी चल रही है लेकिन मेरे पास आगे अब गोबर खरीदने के पैसे नहीं है जी जी। ना मेरा मार्केट में पैसा पड़ा हुआ तो ये पैसा कहाँ गया आदमी धीरे धीरे अपनी कैपिटल खा जाता है खा जाता है सही है इन चीजों का कैलकुलेशन ये चीज सीखने में ही पंद्रह सोलह साल लग गए बिल्कुल सही बहुत जब हम एक बेड से उतारी करते थे हमारे साथ हो चुका अच्छा अच्छा लगभग सोलह सत्रह साल पहले घटना घट गट चुकी फिर हमने कैलकुलेट करना चालू करा की एक बेड में कितना तोल के मटीरियल डाला जे जे। उसका उतार करा तो पर उतार के ऊपर मशीन लेके बैठ गया भाई यहाँ से कट्टा तोलो तब मशीन पे छनाई के लिए जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये सारे एवरेज निकाले एक बंदा एक घंटे के अंदर तो चले मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ एक बंदा एक दिन में डेढ़ सौ रुपए का बेड बनाता है पंद्रह सौ के गोबर डाल के तो पच्चीस से तीस पैसे उसकी बेड मेकिंग कॉस्ट आती है ठीक है ऐसे ही अगर आपकी कॉस्टिंग वाटरिंग की कॉस्ट करें तो दस पैसे के लगभग आपकी वाटरिंग कॉस्ट आनी है क्या कि सर ये जो आप अपने कैलकुलेशन कर रखा है आपने हिसाब किताब जोड़ रखा है एक एक बैड का पर्टिकुलर तो वो आप कैसे करते हैं सर आप इतनी दूर से आए हैं और इंडियन फार्मिंग मैनेजमेंट एक बहुत ही रिनाउंड चैनल है थैंक यू और मुझे अच्छा लगा आपके साथ बात करके और आपकी जो परस्पेक्टिव हैं कि आप सही चीज़ लोगों को देना चाहते हैं जी। तो इसलिए मैं आपको चलिए बता देता हूँ ये मेरे अपने जो 26 27 साल इसमें दिए हैं जी जी। उनका जिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ जो आज तक कहीं नहीं दिया गया जी। किसी चैनल पे नहीं दिया अपने चैनल पे भी कहीं नहीं है ये जी जी। लेकिन आपकी बोला आप देते हो दुनिया को इसलिए मेरा मन कर रहा है वो सब आपको बता दूंगा तीन चीजें हैं जो मेन है ये आपकी यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करते हैं अच्छा सबसे पहला लेजरिंग। हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे बेड के आगे बोर्ड लगा हुआ है जी। हर बेड की एक टैगिंग है। अच्छा ये बेड जैसे अगर आप इसको देखेंगे ये बेड कब बना और कब बना कब इसमें गोबर डाला कब इसमें खाद तैयार हुई कितने उतार इसमें हो गए कहा तक इसमें चला गया कितना खाना बाकी है कैसा केचुआ इसके अंदर है कब इसका उतार होना है ये सारी की सारी चीजें हमारे एक्सेल एक्सेल पे रिकॉर्ड होती है। आपने कंप्यूटर में में डाल ये सारी चीज हमारी जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे इस तीन एकड़ के एरिया में सब जगह चार लाइने हैं, तो हर लाइन की एक रैगिंग है और हर बेड की है जैसे लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन फोर और इनके साथ में जैसे 21 बाईस नंबर का ये बेड है जी जी। अब इस 21 नंबर वाले बेड को कुछ नहीं करना आपने कंप्यूटर में बेड नंबर 21। अच्छा अच्छा ये कब बना? केचुए की क्वांटिटी कितनी है जी। कितनी खाद की लेयर तैयार हो चुकी है जी. और हर हफ्ते ये अपडेट होता है नंबर अच्छा। वन अच्छा अच्छा कितनी खाद आपकी तैयार हो रही है कितना केचो आपके पास में तैयार है कितना सेल हो चुका कितना रह गया अच्छा। कितना छनने के लिए पड़ा है पहली चीज नंबर दो लेबर मैनेजमेंट अच्छा जी हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास जो लेबर काम कर रही है वो पांच घंटे काम करेगी जी जी बिल्कुल आप ये मान के चलो वो घंटे मुझे नहीं कराना आठ घंटे काम मुझे सिर्फ पांच घंटे काम कराना है बिल्कुल अब उस पांच घंटे में मैं कितना काम करवाऊ जिससे मेरी वायबिलिटी आ जाए अच्छा, अच्छा। नंबर अगर मैं बेड बनवा रहा हूँ हमारी अपनी ही लेबर है चाहे हमारी परमानेंट लेबर है लेकिन जब हम बेड बनवाते हैं तो हम ठेके पे बनवाते हैं अच्छा जी डेढ़ सौ रूपये पर बेड अगर नॉर्मली मैं ले बंदे को पांच सौ रूपये पर डे दे, दे रहा हूँ तो वो दो ही बेड बनाएगा दिन में बिल्कुल ढाई ढाई सौ रुपए हो गए वही मैं उस बंदे से कहता हूँ कि भाई तुम ठेके पे बनाओ अच्छा डेढ़ सौ रुपए पर बेड वो एक दिन में पांच बेड बना देता है अच्छा। ये हमारी लेबर ऑलरेडी कर रही है आप किसी भी बंदे से पूछ सकते हो अच्छा अच्छा अब हम दोनों विन विन सिचुएशन में हैं। अच्छा उसने पांच बेड बनाए साढ़े सात सौ रूपए मेरे को डेढ़ सौ रूपये मुझे सौ रूपए पर बेड बच गया तो मुझे भी पांच सौ गए। और, और उसे भी ठंड ठंड में और शाम को अच्छा नंबर वन बेड मेकिंग की बात आ गई नंबर दो कट्टो की भराई अच्छा मेरे को भाई एक घंटे में एक आदमी पंद्रह कट्टे भर के दे दो अच्छा जी मेरा झंझट खत्म हमारी ही परमानेंट लेबर को हम क्या करते हैं हम दस रुपए का ठेका देते हैं अच्छा भराई तुलाई सिलाई और गाड़ी में लड़ाई अच्छा अगर हम इसके पे जाएं तो मुझे लगभग आठ रुपए पड़ेगा अच्छा अगर मैं ठेके पे सामने खड़े होके कराता हूँ तो दो रुपए मैंने अपनी सहूलियत के लिए रखे कि मेरे को खड़ा ना रहना पड़े रिलैक्स रहूं। बिल्कुल तो मैंने दस रुपए का ठेका दिया पच्चीस पैसे पर केजी मुझे भराई तुलाई सिलाई लदाई लग गई चालीस किलो के कट्टे पे बिल्कुल फिक्स हो गया बिल्कुल ओके okay. ऐसे ही हमारा वॉटरिंग पार्ट हो गया जी ऐसे ही हमारा छनाई पार्ट हो गया मुझे कुछ नहीं चाहिए अच्छा। आप चार आदमी लग रहे हो मुझे शाम को दस टन माल छान के दे दो अच्छा आप उसे पाँच घंटे में छान दो आप उसे आठ घंटे में छान दो जी जी। आप मुझे इतना काम करके दे दो आप भी खुश और मैं भी खुश अच्छा अच्छा ठीक जी ही हमारा सेग्रीगेशन पार्ट हो गया अच्छा अगर हम एक बेड का पूला उतारना जी। कुरेदा मारना इकट्ठा करना और यहाँ से इकट्ठा करके मशीन पे डालना अच्छा इस काम को करने में आधा घंटा मैक्सिमम लगता है अच्छा मैक्सिम और अगर मैं करूँ खुद क्योंकि मैंने दो साल सिर पे गोबर धोया है अच्छा जी सारा काम ए टू जेड आठ साल अपने हाथ से अब भी करता हूँ मैं तो बिल्कुल अब भी अगर मैं आप आज थोड़ी देर आप ना आते तो मैं शायद उन कपड़े में होता कि मैं मशीन पर लग रहा होता बिल्कुल मैं अब भी लेबर के साथ में उतनी एहतियात उससे उससे लगता हूँ अच्छा मेरा बेटा भी लगता है अच्छा साथ में अच्छा जी दोनों मिल काम करते हैं कि ले उन्हें ये ना लगे कि इन्हें तो आता ही नहीं हम उन्हें सिखाते हैं अच्छा अच्छा आप जब खुद करते हैं तो आप चीजों को फास्ट करने के लिए और इकोनॉमिक्स के के हिसाब से लाइन पे लाने के लिए आप नई नई चीजें ढूंढते हो नई नई चीजें करते बिल्कुल, हो बिल्कुल वही हम करते हैं तो अगर हम एक बेड की बात करें तो एक बेड में अगर मैं करता हूँ तो मैं पंद्रह से बीस मिनट लेता हूँ अच्छा अच्छा लेबर को हमने जस्ट डबल का टाइम दिया हुआ है अच्छा वो बीड़ी भी पिएगा वो सस्ता आएगा भी वो बैठेगा भी जी जी अगर पूरे दिन में पंद्रह बेड का उतार करना है अगर तीस तो पैसे किलो खाद यहाँ से उठके मशीन तक जाने पे पड़ी। अच्छा। ये अगर मैं लेबर मैनेजमेंट कर लू तो मेरी कॉस्टिंग बहुत लाइन पे आ जाएगी मुझे जरूरत नहीं ना मेरा पानी किस बेड पे लगना है मैं एक सिरे पे सब पे पानी ले लगाऊंगा मेरा लेजर मेरा रोज का ना जो मेरा एक्सेल पे बना हुआ है वो मुझे बताएगा कौन से बेड नए बने हुए हैं किन पे उतार चल रहा है किन का खाद उतरना है और किन पे पानी बिल्कुल इसी से ही हमारी क्वालिटी मेंटेन होती है जब आप ये सारा फंडा लेके चलते हैं तब आपकी पूरा निकल कर आ जाता है हमें जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती है कोई नहीं बताएगा मैं बता देता हूँ आपको अच्छा प्रोडक्शन कॉस्ट तीन रुपए पड़ती है पचास पैसे कंटेजेंसी मिलाकर अच्छा अच्छा लेकिन वही वाली बात आपकी अभी आप देख रहे हो सारा टैगिंग हुई हुई है ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है ये हमारे अपने लिए जो सत्ताईस साल सीखा दे, है ये वो देख रहा हूँ वीडियो, वीडियो के लिए नहीं लगे हुए हैं मैं सरप्राइज नहीं आ पाया तो सर ने पहले से लगे हुए हैं मतलब ये अपनी सहूलियत के लिए अपना प्रोडक्टिविटी अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए जी अब आप पूरा कंपाउंड देख रहे हैं जी जी कोई आपको बदबू नहीं मिलेगी बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन काम अपना मन लगना चाहिए ना ऐसा नहीं कि गोबर का काम करे हो, तो गंदा संदा, जितने सफाई और जितने मैनेजमेंट आप लेके चलेंगे फिर कितना गोबर है और उसके अकॉर्डिंग केचुआ किस क्वांटिटी में आपके पास में है अच्छा उसी हिसाब से आपकी प्रोडक्शन आनी है जी जी अब आपने बेड बना दिया तीस फुट का पंद्रह सौ किलो गोबर डाल केचुआ है पांच किलो तो फिर वो कहाँ तैयार करेगा खाद तो कितना केचुआ आपके पास में है अभी आपने देखा नीचे से निकाला सारा गोबर खा रहा जी 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 तो जितने इतनी क्वांटिटी में अगर जो अभी निकाला था इसी में ही कम से कम 200 से 250 सौ केचुआ जी जी उतनी जल्दी वो खा के खाद तैयार करेगा उतनी ही आपकी फैक्ट्री तेज रनिंग पे पोजीशन पे क्या सर वर्मी कंपोस्ट को कोई युवा एज ए बिजनेस चुनना चाहे तो क्या स्कोप मानते हैं इसमें क्या फ्यूचर है इसका इसका फ्यूचर बहुत जबरदस्त है जब हमने शुरू करा जी तब से अरब में जितनी ग्रोथ हुई इसके बहुत कम टाइम में कहीं ज्यादा ग्रोथ आ रही है इसकी अगर हम 2020 की बात करें आप गूगल भी कर सकते हैं जी जी अट्ठासी हजार सात सौ करोड़ का मार्केट है फर्टिलाइजर का 2020 में इंडिया का इंडिया का अच्छा वो सिर्फ इंडिया इंडिया की बात कर रहा हूँ और हर साल 5.5 परसेंट की ग्रोथ है जो अपने आप में बहुत ज्यादा है बहुत ज़्यादा सही और 2022 तक का जो प्रोजेक्शन आया है जी जी उसके आंकड़े आप अगर सुनेंगे तो शायद विश्वास नहीं करेंगे आप इसे गूगल करके देख लें तो ज्यादा अच्छा थोड़ा बताएंगे क्या है तीन गुना इसका प्रोजेक्शन है अट्ठासी करोड़ का इंटू थ्री कर लीजिए अच्छा जी दो तक ठीक है अगर हम वर्मी कंपोस्ट के अकेले बात करें अगर पॉइंट परसेंट भी अगर वर्मी कंपोस्ट का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट अभी खाली पड़ा है खाली पड़ा है बिल्कुल एक परसेंट भी काम नहीं है अभी इंडिया में पूरा अच्छा वर्मी कंपोस्टिंग का अच्छा जी हमारे साथ लगभग ढाई सौ से तीन सौ टेक्निकल ग्रेजुएट जुड़े हुए हैं आई प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स इंजीनियर्स कॉर्पोरेट सेक्टर के वीपीज़ उसके साथ में जीएम मोटा मोटा बताऊँ एक्सिस बैंक का वाइस प्रेसिडेंट जी जी जिन्होंने रिटायरमेंट लेके कर रहे हैं इसके अलावा बंदा पनासोनिक में रोबोटिक्स में जीएम अच्छा जी वो वर्मी कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं ऐसे 250 से 300 टेक्निकल ग्रेजुएट हैं ऐसे एक आईआईटी आई खड़गपुर के जो 20 साल नौकरी करे जिनकी वन पॉइंट टू फाइव की नौकरी उसे छोड़ के अच्छा ऐसे तो मैं ये गिने चुने बताए हैं जो ढाई सौ तीन सौ टेक्निकल ग्रेजुएट जुड़े हुए जो हमारी ही यूनिट है वो आपकी यूनिट है जी अच्छा अच्छा ये स, अब मार्केट की अगर हम बात करें तो अभी एक परसेंट नहीं है और आगे आने वाले पचास साल इसका मार्केट जबरदस्त है क्यों क्योंकि हर आदमी अवेयर हो गया है कि वो क्या खा रहा है क्या खा रहा है बिल्कुल सही है। वो जहर खा रहा है जी जी जी

Compost, जितनी आपके की तादाद ज्यादा है तो ये पैंतीस दिन से लेकर हो जाती है टाइगर आप आप टेंडर पे टेंडर पे पड़ा हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट का चालीस करोड़ का परचेज का टेंडर निकला हुआ है अच्छा गवर्नमेंट खरीदना है हैं हर गवर्नमेंट खरीदती है हर स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है पिछले साल उड़ीसा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने विश्वास निमाने लगभग दो से ढाई हजार टन वर्मी कंपोस्ट खरीदा है जो यूपी से भी गया है अच्छा। राजस्थान से भी गया है बाकी स्टेट से भी गया है अच्छा। ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट भी निकालती है वर्मी कंपोस्ट परचेस का टेंडर जी जी जी। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी मैंने बताया आपको 40 करोड़ का तो उसे निकाला है उसमें वर्मी कंपोस्ट है बायो कंपोस्ट है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है सबका मिला के चालीस करोड़ का टेंडर निकला हुआ है अच्छा। हिमाचल गवर्नमेंट अलग निकालती है उत्तराखंड गवर्नमेंट अलग निकालती है वो अपने किसानों को प्रमोट करने के लिए जैविक के प्रमोशन के लिए अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई यूपी जी जी। के भी मेरे ख्याल से 25 या 30 जिलों को ऑर्गेनिक करने का रखा गया है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार होंगे और जैसे गंगा के किनारे का क्षेत्र है ये पूरा घोषित हो रहा है की यहाँ पर कोई रासायनिक खाद नहीं लगेगी ये पूरा ऑर्गेनिक होगा पूरा ऑर्गेनिक घोषित हो रहा है तो गंगा के किनारे का क्षेत्र तो हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, जी, जी इन दोनों ने जैविक के खेतों में जैविक के कार्य में क्रांति ला दी जी 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 इतना लाभ अगर मैं सत्ताईस के तो इतना लाभ जितना अभी इस पांच सालों में मिला है इससे पहले कभी नहीं मिला जितना इन पांच सालों में जैविक के लिए क्रांति आई है अच्छा। तो त्यागी सर वर्मी कंपोस्ट का जो काम है ये सीजनल है या फिर हर महीने मतलब बारह महीने चलते रहता है सर हमारा जो देश है ना जी जी यहाँ पर इतने सारे सीजन हैं और इतनी सारी फसलें हैं कि इसका बारह महीने से भी ज्यादा का बाजार है अच्छा अच्छा अब पूछे कैसे जी जी अब हम बात कर रहे हैं जय इस समय बताता हूँ अगस्त चल रहा है जी जी अगस्त पंद्रह अगस्त के बाद से हिमाचल चालू हो जाता है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और पंद्रह दिसंबर अच्छा टोटल हिमाचल में सेब में सप्लाई जाती है प्लस आपके सीजनल आने वाला है सर्दियों के फुलवाड़ी लगेगी जी जी। तो सीजनल प्लांट वर्मी में वर्मी कॉम्पोस्ट इस्तेमाल होता है जी। नंबर एक। इसके बाद आ जाइए दिसंबर।, दिसंबर 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 छोड़ दीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये चालू हो जाता है कश्मीर अच्छा क्योंकि कश्मीर में जनवरी से वो खाद की परचेज चालू कर देते हैं अच्छा जी उधर कश्मीर चलेगा इसके साथ साथ आपका सीजनल भी चलेगा जी जी इसके साथ साथ आपका पहाड़ में जो उत्तराखंड साइड में पहाड़ी आलू जी और उधर में जितनी ये फ्लारिंग वाली नर्सरीज हैं वो वहां पर तैयार करते हैं अच्छा, अच्छा उधर चालू हो गया जी जी। लेकिन अब इसके साथ में अगर आप प्लेन की भी बात करें तो दिसंबर में आम के बागों में भी खाद लगेगी अच्छा अच्छा उधर हमारे यहाँ पर आलू भी बोया जाएगा जी जी। जो हमारा लोकल क्षेत्र है जो पूर्वी यूपी हो गया या एटा इटावा मैनपुरी आगरा इधर के सारे क्षेत्र में आलू और हमारे अपने क्षेत्र में आलू होगा अक्टूबर में आलू नवम्बर में गेहूँ आलू गेहूं पूरे साल की अगर हम बात करें तो पूरे साल में एक महीना तो मान लीजिए बरसात का अच्छा बस जुलाई जुलाई अगस्त से सीजन चालू और एक महीना मान लीजिए सर्दी का दस महीने का इतना जबरदस्त मार्केट है बागों का फसलों का आपको सिर्फ ये सर्च करना है कि अब जैसे यहाँ पर लोकल आलू लगेगा अक्टूबर में जब मार्च में यहाँ आलू खुदेगा तो उत्तराखंड में आलू बोया जाएगा जो पहाड़ी आलू होता है जी जी तो यहाँ का आलू खत्म तो के में सप्लाई, में तो पे सप्लाई के बाद अपना प्लेन में सप्लाई, और नहीं तो अपने लोकल में हमारी जो नर्सरीज हैं, जो हमारे सीजनल हैं उनकी सप्लाई फिर सब्जी वालों की सप्लाई जी जी हर सीजन में सर्दी की सब्जी अलग और गर्मी की सब्जी अलग सब्जियों में खाद बहुत लगती है फिर गर्मियों में पलेज आ जाती है आपके खरबूजा हो गया तरबूज हो गया ककड़ी हो गया इनमें आज की में उनमें भी खाद लगने लग गई है बिल्कुल। तो आपका बारह महीने का बाजार है ऐसी जैसे जैसे दो ऐसी 200-400 भी हो जाए ना तो अभी हम एनसीआर के बाहर के क्षेत्र के वर्णी करवाने अच्छा होगा बहुत बहुत बड़ा बाजार है इसका पर रीजन एक है जी बाजार को कैटर करने के लिए आपको उसे एजुकेट करना पड़ता है जी जी जो मार्केटिंग वाली बात आई ना बिल्कुल बिल्कुल। आपका मार्केट कैसे बढ़ेगा कैसे आप सस्टेन करोगे आपको बंदे को एजुकेट करना है उसको क्वालिटी के बारे में बताना है उसको लगाने के बारे में बताना है और लगा के उसको रिजल्ट दिखाने हैं दिखाना है, सही तभी वो पे ट्रस्ट बना पाएगा बिल्कुल बिल्कुल और नहीं तो क्या ऐसे तो भैया खाद डाल लो तो डाली रिजल्ट नहीं आया फिर वर्मी बदनाम होती है अमित सर सजग ऑर्गेनिक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का मैं थोड़ा विजन जानना चाहूँगा क्या विजन है हाँ आप लोगों का हमारा विजन एक तो किसान को सस्टेनेबल बनाना नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना जी जी और युवा वर्क को आगे लेकर आना कि वो आए खेती में उतरे और खेती को पूरे भारत को और हमें सबको समृद्ध बनाए जी जी अभी हम इसी श्रृंखला में आ, बी कीपिंग भी शुरू करी है जी, जी। तो हम शहद भी लॉन्च कर रहे हैं जी। और देसी गाय का घी भी हम लॉन्च कर रहे हैं जी। इसके साथ में वर्मी कम्पोज से रिलेटेड और भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कोकोपिट हो गया या फिर गार्डन के लिए अलग हम एक क्वालिटी तैयार कर रहे हैं जी जी. तो वो हो गया वर्मी कंपोस्ट हो गया ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हो गया जी. तो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं जी. तो हम एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं जी जी. एक्सपोर्ट के साथ साथ ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए जी. साथ में हम लैब डेवलप कर रहे हैं अपने यहाँ पर जी. कि उस लैब में किसानों के लिए एन ए बी एल अप्रूव लैब सेटअप कर रहे हैं अच्छा अच्छा किसान को सोइल टेस्टिंग करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा और कोई भी हमारे भाई हैं वो फूड प्रोडक्ट हो गया और घी हो गया शहद हो गया ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हो गया कोई भी चीज अगर टेस्ट कराना चाहते हैं तो वो हमारी लैब में टेस्ट करा सकते हैं अच्छा। उसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट और किसानों को भी कस्टमाइज खाद तैयार करके अच्छा। आपके खेत में क्या है कितनी खाद डलनी चाहिए जी जी. अब मान के चलिए आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है और मैंने बढ़ा दिया जी जी तो ना फॉस्फोरस तो पूरा है जी जी. वो थोड़ा सा कैल्शियम पार्ट तो आपको हो सकता है खाद 1500 किलो एकड़ की ना डल के 700 किलो एकड़ डल है जी 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 तो उस हिसाब से हम इस चीजों को मैनेज कर रहे हैं सारा और आगे फ्यूचर हमारे प्लान्स यही हैं और एक तारीख से चाहे एक से हम इस लैब को चालू कर देंगे सबकी टेस्टिंग के लिए ओपन कर रहे हैं हम इसको सर कोई युवा अगर आपसे सीखना चाहे पूछना चाहे जानकारी लेना चाहे तो क्या प्रोसीजर है आपका बिल्कुल स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से हमारे पास आते हैं तो उनका हर समय स्वागत है कभी भी आए किसी भी समय आए पूरा दिन बिताएं जानकारी लें जानकारी लेने के बाद जो भी उनकी समस्याएं हैं उन सब का समाधान और निदान एक ही शेल्टर के अंदर में हो जाएगा मतलब ये सारी चीज जो आप कर रहे हैं सारा काम बता सकते हैं हमारे है। यहाँ पर सब चीज खुली है सबके लिए कोई कभी भी आए कोई हमारी बैरिकेटिंग नहीं ये नहीं कि वहाँ पर एंट्री बंद है कि साहब नहीं कोई कभी भी आए चीजों को जाने समझे तथ्यों की सच्चाई को पहचाने और प्रॉफिटेबल बनाए काम को ऐसा नहीं की यूज़ करा है इस्तेमाल करा जी बेकार है रिजल्ट नहीं आया नहीं, नहीं। टेक्निकल नॉलेज से लेकर और लैब टेस्टिंग तक सारी उसके हाथ से करवाएंगे तो दोस्तों ये वीडियो मैंने त्यागी सर की बनाई है सजग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की आप लोग जो भी जानकारी लेना है, चाहे नीचे स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इतनी बेहतरीन जानकारी मैंने अपने चैनल पर पहली बार डाली है सारी डिटेल खोल के आप सबको बताया है तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी शेयर हो